बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम करेंगे रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट का जो बकिया पार्ट था। अच्छा, लास्ट टाइम हमने रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट जो स्टार्ट की थी उसमें हमने इसकी एक्सेप्शन पढ़ी थी और साथ साथ एक्सेप्शन में हमने इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन किया था। आज जो हम इसमें करेंगे, हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए, जो रिकॉर्डियन था, रिकॉर्डो की थ्योरी थी, उसके मुताबिक क्या था? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिकॉर्डो, रेंट इज डिटरमिंड बाय द क्वालिटी ऑफ लैंड। रेंट वो अमाउंट है जो एक कल्टीवेटर पे करता है ऑनर ऑफ लैंड को अगेंस्ट द यूज ऑफ लैंड क्वालिटी। इसका मतलब लैंड की क्वालिटी जैसे जैसे बेहतर होगी वैसे वैसे जो आपका रेंट है वो ज़्यादा होगा। अब इसकी हम एग्जाम्पल करेंगे आज। और हमने कहा कि जो लैंड है वो एक वो नेचर की तरफ से एक फिक्स जो है वो इनपुट है, फिक्स है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास चार किस्म की लैंड है, ए बी सी और डी। हमारे पास चार टाइप की लैंड। सबसे पहले जो लैंड थी वो यूज हो रही थी ए लैंड यूज हो रही थी, और ये लैंड जो है ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करती थी। इसकी जो प्रोडक्शन थी वो कितनी थी? प्रोडक्शन क्या है, जहाँ प्राइस जो है, ये बी वाली जो लाइन है ये कहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रही है एमसी के साथ, तो ये इसकी प्रोडक्शन है। ये इसकी प्रोडक्शन जो है ये है 50 मान। ये क्या है? ये 50 मान सोच करते हैं। और ये लैंड जो है ये देखिए एसी जो है वो पीसी के नीचे पी प्राइस, ये हम लोग जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है, ये सिंपल जो हम कॉस्ट कर्व्स ऑफ फार्म करते थे उसका हमने ग्राफ बनाया है। वो सिंपल उसमें हमने एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ किया, मार्जिन कॉस्ट को ड्रॉ किया, और ये प्राइस है जो मार्केट में इस पर डिटरमिन होती है, जो प्राइस मार्केट में एग्जिस्ट कर रही। तो इस प्राइस में ये जो ए है ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर रहे हैं। प्राइस ये है और ये एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो नीचे है, ठीक है, और मार्जिन कॉस्ट जो है उसे वो कर रहा है क्रॉस इस पॉइंट। तो इसकी प्रोडक्शन क्या है? इसकी प्रोडक्शन है 50 मन। अब फर्ज करते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। पॉपुलेशन क्या हुई? इंक्रीज हुई। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो डिमांड भी इंक्रीज हुई, डिमांड ऑफ गुड जो है वो इंक्रीज हुई। अब क्या किया, अब जो कल्टीवेटर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉर्म बी जो लैंड बी थी उसे कल्टीवेट करना शुरू किया। लैंड बी में जब कल्टीवेट शुरू करी क्योंकि लैंड की डिमांड बढ़ गई तो क्या किया, नई लैंड पे कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। अब जो बी की जो कल्टीवेशन आई वो कितनी आई, वो आई 40। अब ये जो प्रोडक्शन है जो 40 मन है, पहले 50 मन थी अब 40 मन है, ये लैंड भी जो है जो बी लैंड है ये भी क्या कर रही है, ये भी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फुलफिल कर रही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर रही, ठीक है। तो फिर फर्ज करते हैं फिर जो है वो लैंड इंक्रीज, फिर जो डिमांड इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, मजीद जो कॉर्न की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। जब मजीद कॉर्न की डिमांड इंक्रीज होगी तो पहले ए को कर रहे थे कल्टीवेट, फिर बी को शुरू कर दिया, अब मजीद जब डिमांड बढ़ेगी तो किसको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, सी को भी कल्टीवेट शुरू कर दिया। अब सी की जो प्रोडक्शन है, सी की जो प्रोडक्शन है वो है 30। सी की प्रोडक्शन क्या है, 30 मन। अब सी की जो कल्टीवेशन है वो 30 मन है, और ये भी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेंगे, देखिए पी जो है पी के नीचे कर रही है, पी के नीचे जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसका मतलब है वो अपनी कॉस्ट को क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है। ये इसकी कॉस्ट जहाँ एम सी ए सी के साथ क्रॉस कर, ये इसकी क्या है कॉस्ट, इसका मतलब है ये कवर कर रहे हैं अपनी कॉस्ट, ठीक है। अब फर्ज करते हैं सी पे जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, वो 30 मन है। सी पे क्या है प्रोडक्शन जो है वो 30 मन है। पॉपुलेशन मजीद इंक्रीज हो जाती है, पॉपुलेशन जो है वो मजीद क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि डिमांड जो कॉर्न की है वो और इंक्रीज हो जाती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, कल्टीवेटर जो होते हैं उन्होंने
डी लैंड को भी कल्टीवेट करना शुरू कर, डी लैंड पे भी प्रोडक्शन शुरू कर। अब डी पे जो प्रोडक्शन है वो आई 21, क्या आई 21। और देखिएगा ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, जहां एमसी और एसी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब है ये प्राइस, ये लाइन प्राइस की गांधी देखिए, सेम प्राइस जो है वो फिक्स सबके लिए, सारी लैंड्स पे प्राइसेस जो है वो सेम है। अब इस प्राइस पे ही इसकी कॉस्ट है, अब हम कहेंगे यही कॉस्ट है और यही क्या है, इसका मतलब है मैं ये लेदर लेदर आ रहा हूं पी कॉमा सी का, पी कॉमा पी भी यही और सी भी। अब हम कहेंगे ये जो डी लैंड है ये क्या कर रही है, ये जस्ट डी लैंड जस्ट कवर इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बड़ी मुश्किल से अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो कवर कर, इसका मतलब है ये जो लैंड है ये है मार्जिनल लैंड, ये क्या है मार्जिनल लैंड, ऐसी लैंड जो सिर्फ अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करे, बस सिर्फ अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ये मार्जिनल लैंड है जिसकी क्वालिटी जो है वो इन चारों लैंड में से दूसरे वर्ड्स में सबसे कम है, जिसकी प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा कम है, जिसकी वजह से क्या है कॉस्ट जो है वो सिर्फ इतनी प्राइस को या इतना प्रोड्यूस कर रही है वो सिर्फ उसकी कॉस्ट को क्या करे, कॉस्ट को कवर करे बस। अब डी के ऑर्डरिंग मार्जिनल, अब लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अब हम सी का रेंट निकालते हैं, सी का रेंट ये जो मार्जिनल लैंड है इसकी कॉस्ट और प्राइस जो है वो इक्वल है, जो वो प्राइस ले रहा है वो और कॉस्ट क्या है इक्वल है, इतनी प्रोडक्शन की प्राइस है वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके, इसका मतलब है इसकी इसका रेंट क्या होगा, जीरो। ये रेंटलेस लैंड है, इसका अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो ये रेंटलेस लैंड है और इसका जो रेंट होगा वो जीरो होगा, इसका रेंट जो होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। इसे मैं ऊपर लिखता हूं मार्जिनल लैंड, मार्जिनल। अब ये रेंट लेस है अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो बिकॉज इट जस्ट कवर्स इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो इट इज मार्जिनल लैंड। अब हम सी का देखते हैं, सी की प्रोडक्शन क्या 30, तो इसका रेंट कितना होगा, हम इसे 30, इसका रेंट होगा 30 माइनस 1 कितना 10, इसका जो रेंट होगा वो होगा 20 मंथ, इसका क्या होगा 20 मंथ, ठीक है जी। अब हम इस लैंड का रेंट निकालते हैं, इसकी प्रोडक्शन कितनी 40, मार्जिनल की कितनी है 20, तो 40 माइनस 20 इसका क्या होगा, इसका रेंट क्या होगा 20 मंथ। अब इसी तरह हम इसको देखते हैं, इसकी प्रोडक्शन कितनी है 50 और मार्जिनल लैंड की कितनी है 20, तो इसको लिखेंगे 50 माइनस 1 ये कितना होगा 30, इसका 30 मंथ, इसका 30 मंथ होगा, इसका 20 मंथ रेंट होगा, इसका 10 होगा और इसका 0 होगा। मार्जिनल लैंड रेंट लेस लैंड है अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड, तो जो हमारा रेंट है वो डिपेंड करता है किस पे, क्वालिटी ऑफ लैंड, प्रोडक्शन ऑफ लैंड, ठीक क्या है, रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंसर्न लैंड एंड मार्जिनल लैंड, जिसका आप रेंट निकाल रहे हैं उसको उसके प्रोडक्शन में से मार्जिनल लैंड की प्रोडक्शन को हम माइनस कर देंगे तो देन इट इज कॉल्ड रेंट। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करते हैं ग्राफिकली, हम देखेंगे ये देखिए इस पॉइंट पे प्राइस है और इसी पॉइंट पे कॉस्ट है, कॉस्ट कहां डिटरमिन होती है, जहां मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्रॉस कर रही है अपनी एवरेज कॉस्ट, ये कॉस्ट है ये पॉइंट, ये कॉस्ट पॉइंट है, ये कॉस्ट पॉइंट, अगर हम देखें तो यहां ये ही कर रही है तो इसका मतलब प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट, सो देयर इज नो रेंट, सो देयर इज नो रेंट। अब यहां देखते हैं This is the cost and this is the price. It means there is a difference between price and cost. ठीक है? तो यहाँ देखते हैं ये cost है, यहाँ देखते हैं ये cost है, ठीक? तो जो rent है, वो इसके दरमियान में यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो area है ये rent, ये जो area है
ये रैंक हो। इसी तरह यहाँ ये जो एरिया है ये क्या होगा, ये रैंक। इसी तरह ये जो एरिया है ये क्या होगा, ये 20, ये 20, ये 20। हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं वहां क्या है, वहां प्रोडक्शन कितनी है 20, वहां प्रोडक्शन कितनी है 20 है। तो देखिए यहाँ क्रॉस कर रहे हैं ये भी 20 है, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं ये भी 20, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं 20, इसके दरमियान में क्या है, ये रैंक है। इसके दरमियान में क्या है, ये रैंक है। इसके दरमियान में क्या है, ये रेंट। तो रेंट को डिटरमिन करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक रेफरेंस लैंड होनी चाहिए जिसे हम मार्जिन रेंट बोलते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है हम देखते हैं कि अगर सिर्फ हमारे पास ए रेंट और बी सी और डी ना हो तो हम कहेंगे कि इसका रेंट क्या है, हम नहीं मेजर कर सकते जब तक हमारे पास क्या है, मार्जिन लैंड ना। जब अगर ये अकेली लैंड है और लैंड की क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आ रहा तो अब तक हम क्या करेंगे, हम रेंट जो है वो नहीं मेजर करेंगे, कर ही नहीं सकते, रेंट होगा ही। तो अब हम अगर कंपेयर करें तो हम देखेंगे इसका एवरेज कॉस्ट जो है सबसे ऊपर है, इसका एवरेज कॉस्ट कम है, इसका एवरेज कॉस्ट उससे नीचे है, इसका एवरेज कॉस्ट सबसे नीचे है, ठीक है। तो हम अगर देखें तो हमें पता लगेगा कि ये लैंड जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उससे कम प्रॉफिटेबल है, उससे कम प्रॉफिटेबल है, और ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं। तो इनको कंपेयर जब करते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, रिकार्डो की थ्योरी के मुताबिक हम इसका जो है पॉइंट निकालते हैं जिसे रेंट वैल्यू निकालते हैं। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम कहां पर है, मार्जिन रेट, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां प्राइस जो है वो जस्ट कवर कर रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ये नीचे है प्राइस। यहां इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, इससे भी नीचे है प्राइस। यहां इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, सबसे नीचे है प्राइस। तो सबसे ज्यादा रेंट इसका है, उससे कम इसका है, उससे कम इसका है, जीरो इसका। तो ये है वर्किंग, कैसे हम मैयर कर सकते हैं डिटेल में इसको रेंट पे अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड। अब हम इसी लेक्चर में जो हम करेंगे वो करेंगे क्रिटिसिज्म ओवर रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट।